सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे एग्रीकल्चर दे पार्ट फोर दी। इस तो पहला अपलोड कीती हुई वीडियोज़ नूं देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म इज, देखो सिल्क वॉर्म की जो लाइफ साइकिल है वह की होएगा। तो देखो सिल्क वॉर्म सब तो पहला एग, फिर कैटरपिलर, कैटरपिलर तो बाद प्यूपा, और उस तो बाद फिर अडल्ट का रूप लेंदा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए है सी। देखो कई बार एग, उस तो बाद लार्वा, उस तो बाद प्यूपा, और उस तो बाद अडल्ट। तो ये जो सीक्वेंस है ये भी तुहानू देखन नू मिलेगी। अगर पूछ लें कि जी रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म नू की बोलते हैं, तो इसनू बोलते हैं सेरीकल्चर। अगर पूछ लें जो रॉ सिल्क मटीरियल है इसकी इंडस्ट्री नू की बोलते हैं, तो इसकी इंडस्ट्री नू बोलते हैं मोरीकल्चर। इहदा मतलब मोरीकल्चर कादे ते डिपेंड है, सैरीकल्चर ते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाई यूजिंग द कोड गिवन। देखो लिस्ट वन दे विच क्रॉप दिती है और लिस्ट टू दे विच जियोग्राफिकल कंडीशन दिती है। तो ये देखना है कि किस क्रॉप की जियोग्राफिकल कंडीशन जी मैच करती है। तो सब तो पहला है अपने को बारले। देखो बारले की गल करा तो यदा संबंध है कूल क्लाइमेट नाल, तो बारले नू कूल क्लाइमेट चाहिए और विद पूरर सॉयल चल जाएगी। तो इस बारले का संबंध है टू दे नाल। राइस की गल करा तो जो राइस है इस दे लई हॉट एंड मोइस्ट क्लाइमेट चाहिए विद द रिच सॉयल, काफ़ी रिच सॉयल ये चाहिए है, और हॉट जिहड़ा हैगा वह क्लाइमेट ये चाहिए। मिलट की गल करिए तो मिलट दे विच की है, मिलट दे लई हॉट अते ड्राई क्लाइमेट चाहिए है विद पूरर सॉयल हो सकती है। और टी की गल करा तो टी दे लई वार्म अते मोस्ट क्लाइमेट है, लेकिन ये हाई एल्टीट्यूड ते है। तुहानू पता ही है कि हाई एल्टीट्यूड ते ही टी जिहड़ी है प्रोडक्शन की जाती है, और टी जिहड़ा एक प्लांटेशन क्रॉप की ही किस्म है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह है ए। कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो कसकटा जिन्हों तुसी अंबर बेल दे नाल भी जानते हो, और ये किसी दूसरे ट्री ते ही अपना जिहड़ा हैगा ग्रो करती है, तो इसनू इस करके भी पैरासाइट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। द ब्लाइंड होइंग इज रिलेटेड टू, देखो ब्लाइंड होइंग एक प्रोसैस है और ये प्रोसैस यूज किया जाता है शुगर केन के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है बी। और शुगर केन तुहानू पता ही है सब तो ज़्यादा यूपी दे विच इहदी प्रोडक्शन हुंदी है।
यूज करता है और पंजाब इतने भी दूसरे नंबर पर है और जो पंजाब है ये जो प्रोड्यूस करता है ये करता है 17.90%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी शुगर केन। सिल्वीकल्चर इज द ब्रांच ऑफ, देखो सिल्वीकल्चर जो ब्रांच है वो है फॉरेस्ट्री की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। और इस दे विच की किता जाता है तो याद रखियो इस दे विच डिवेलपमेंट की जाती है फॉरेस्ट। और जो सिल्वीकल्चर है ये एक्चुअल दे विच बॉटनी नाल ही संबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। पिंक बॉल वॉर्म इज अ पिस्ट ऑफ, देखो पिंक बॉल वॉर्म जो है ये किसते नाल संबंधित है, किसका पिस्ट है, तो याद रखियो ये है कॉटन का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और ये तुहानू सब तो ज्यादा कितने मिलेगा तो याद रखियो जो सब तो ज्यादा है ये कैलीफोर्निया डेजर्ट दे विच देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और कॉटन गुजरात दे विच सब तो ज़्यादा उगाई जाती है और कॉटन जड़ी है इसनू ईरान इराक दे विच जो सी वो सिंडोन बोलते सीगे और कॉटन दुनिया की पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच प्रोड्यूस की गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। वेयर इज द हैडक्वाटर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च का जो हैडक्वाटर है ये कितने है, तो देखो इसका जो हैडक्वाटर है यह है नागपुर के और नागपुर कितने है महाराष्ट्र के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। तो इतने तुम याद रखना कि इस दे टू रीजनल हैडक्वाटर भी है, रीजनल ऑफिस भी है और इस दे जो रीजनल ऑफिस है वो एक है तमिलनाडु दे विच और तमिलनाडु दे विच ए जेड़ा रीजनल ऑफिस है इसनू बोलते ने कोयंबटूर अते दूसरा जेड़ा है ये हरियाणे दे विच है और हरियाणे दे विच इसनू बोलते ने यह है सिरसा दे विच। तो इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है इसकी। कैविटी स्पोर्ट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो कैविटी स्पोर्ट नाम की एक डिसीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ये किस दे विच देखने मिलती है, तो ये याद रखियो कैरेट दे विच तुहानू देखने मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। कैरेट ते जो ब्लैक कलर दे थोड़े शेड आ जाते हैं तो उसनों ही बोलते हैं कैविटी स्पोर्ट, जिमें अपने दंदा दे विच कैविटी आ जाती है सेम उस तरह ही कैरेट दे विच कैविटी स्पोर्ट देखने मिलते हैं। और अगर मैं गल करा कैरेट जो सब तो ज्यादा कैरेट है एक केड़ा स्टेट प्रोड्यूस करता है, तो याद रखियो हरियाणे दे विच सब तो ज्यादा कैरेट प्रोड्यूस किया जाता है किन्ना, तो 27.42% जेड़ा ये हरियाणा जेड़ा है वह प्रोड्यूस करता है। अनियन की गल करा तो महाराष्ट्र इंडिया का पूरा जो सब तो ज्यादा जो प्रोडक्शन है अनियन की वह महाराष्ट्र के होंगी है, तो टोटल 38.09% जेड़ा है प्रोडक्शन वो जेड़ा महाराष्ट्र करता है। कैबेज की गल करा तो बंद गोभी ये वैसट बंगाल दे विच सब तो ज़्यादा होंगी है और ये 25.32% जो है वो वैसट बंगाल कवर करता है। और पी की गल करिए तो ये यूपी नंबर इंटरनेशनल राइस
रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए है ए। और ये भी याद रखना है कि ए फाउंड कदों हुई सी, तो ए एस्टैबलिश हुई सी 1960 दे विच। द विक्टर ऑफ ऑरेंज लीफ डिसीज इन राइस इज, देखो जो राइस दे विच एक डिसीज है ऑरेंज लीफ दी, इस दा विक्टर किसनों मन्या जाता है, तो इस दा विक्टर है गया जिग जैग लीफ होपर। तो इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है ए। तो जिग जैग लीफ होपर जेड़ा है ओ राइस दे विच जो ऑरेंज लीफ है इसनों एक प्लांट तो दूजे प्लांट दे विच फैलाउण दा काम करता है जिग जैग लीफ होपर। तो इस क्वेश्चन दा राइट आंसर है ए। वेयर इज़ द हैडक्वाटर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हैडक्वाटर है यह कितने, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हैडक्वाटर है यह है रोम के। रोम कितने है तो याद रखियो रोम है इटली दे विच। और ये एस्टैबलिश होया से 1900 इस ही मिलती जुलती। देखो फूड न रिलेटड दो ही ऑर्गनाइजेशन है इंटरनेशनल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और एक है अपने को एफ ए ओ। एफ ए ओ की फुल फॉर्म की है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये फाउंड कदों हुई सी, तो ये फाउंड हुई सी 16 अक्टूबर 1945 नूं। और एक कनाडा दे विच फाउंड हुई सी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर रोम दे विच ही है इटली च। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। नेम द मोस्ट कॉमनली यूज इनसैक्ट इन जनैटिक एक्सपैरीमेंट, देखो जिन्हें भी जनैटिक एक्सपैरीमेंट किए जाते हैं वेद मोस्टली कि इनसैक्ट यूज़ किया जाता है, तो यह यूज़ किया जाता है फ्रूट फ्लाई, मतलब फ्रूट फ्लाई पर ही बहुत सारे एक्सपैरीमेंट किए जाते हैं जनैटिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉयल आर, देखो जो खारेपन की मात्रा जिस मिट्टी दे विच ज़्यादा होंदी है उस मिट्टी दे विच जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हें की किया जाता है, तो देखो उन्हें किया जाता है हेलोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। तो हेलोफाइट प्लांट जो है वो सलाइन सॉयल दे विच काफ़ी ग्रो करते हैं। अगर आप गल करिए जीरोफाइट की, तो देखो जेरोफाइट जेड़े है वह प्लांट होंगे है जिन्हां दे लई ड्राई क्लाइमेट की जरूरत पैंदी है, मतलब अगर आप गल करिए ड्राई कंडीशन की, तो ड्राई कंडीशन दे विच जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्होंने बोलते हैं जेरोफाइट्स। अगर मैं हाइड्रोफाइट्स की गल करा तो ये नाम के ही हाइड्रो लग्या, यदा मतलब वाटर, तो इतने जो ज़्यादा वाटर की जरूरत पैंदी है जिन्हें प्लांट्स नूं, जो प्लांट्स वाटर दे विच ग्रो करते हैं उन्होंने असं हाइड्रोफाइट्स का नाम दें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह है से। और ये तीनों ऑप्शन तुसीं याद रखनी। किसान मित्रा इज एन एम्प्लाइज ऑफ, देखो किसान मित्रा जो स्कीम सी, ये जो स्कीम लागू की गई सी सब तो पहला ये की गई सी 24 फरवरी 2019 नू यूपी दे डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर तो, ठीक है। और एक इसते अंडर काम करती है, ये भी तुसी याद रखना है, तो ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स
welfare. उन्होंने पूछा है कि जो किसान मित्रा दे इंप्लाइज होंदे है वो किदे अंडर काम करते हैं, तो याद रखियो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो काम करते हैं. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज एस्टैब्लिश ऑन, देखो जो ICAR है, ICAR एक कदों एस्टैब्लिश होया सी, तो देखो ये एस्टैब्लिश होया सी 16 जुलाई 1929. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए. और इसका अगर तुहानू हैडक्वार्टर पूछ लैन तो न्यू दिल्ली दे विच इसका हैडक्वार्टर है, और इसका मोटो भी तुसी याद रख सकते हो. इसका जो मोटो है वह है एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच. What is the name of the soil found in the mid plains in Punjab? देखो पंजाब का जेड़ा एरिया है, मिड प्लेन का जो एरिया है पंजाब का, उदे विच सब तो ज़्यादा केड़ी मिट्टी पाई जाती है? तो सबनों पता है एलुवियल सॉयल जेड़ी है वो पाई जाती है, जिन्हों तुसी जलोड़ मिट्टी बोलते हो. ये सब तो ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है जलोड़ मिट्टी, और पंजाब दे ज़्यादा एरिए दे विच यही मिट्टी पाई जाती है. इस करके पंजाब जो है वो एग्रीकल्चर दे विच बहुत ज़्यादा अगे, और एलोवियल सॉयल भी अगे दो पार्ट्स दे विच डिवाइड होंदी है. एक नू बोलते हैं असी खादर और एक हुंदी है बांगर, ये भी तुसी याद रखना. Which of the following district is cotton grown in the maximum quantity? देखो पंजाब की ही गल करता पे, पंजाब का वो केड़ा डिस्ट्रिक्ट है जिथे सब तो ज़्यादा जी है कॉटन प्रोड्यूस की जाती है? तो देखो पंजाब का वो डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर, फिरोजपुर के सब तो ज़्यादा जी है वो पंजाब की कॉटन प्रोड्यूस की जाती है, और कॉटन के लिए तुम्हें पता ही है किस सॉयल की जरूरत पैंती है, तो ये ब्लैक सॉयल की जरूरत पैंती है, और इस ब्लैक सॉयल नूं तुसी रगूर सॉयल भी बोलते. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी. अंडर विच क्लाइमेट कंडीशन डू द लैटराइट सॉयल डिवेलप? देखो लैटराइट जो सॉयल है, ठीक है, इसनों केड़ी क्लाइमेट कंडीशन की जरूरत पैंती है? तो देखो ये जेड़ा क्लाइमेट कंडीशन है इहदे लई वो है विट ट्रॉपिकल क्लाइमेट. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए. तो विट ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लैटराइट सॉयल मिलेगी, और ये जो मिनरल्स है उन्होंने डेफिशेंसी होने करके जो लैटराइट सॉयल है वह ज़्यादातर ब्रिक्स के लिए ही यूज की जाती है. तो जिन्हिया भी इट्टा वगैरह बनाई जाती हैं, क्योंकि लैटराइट सॉयल के जो ही नमी खत्म हो जाती है तो यह बहुत ज़्यादा जोड़ा है वह सख्त हो जाती है ये मिट्टी, इस करके ब्रिक्स के लिए इसको ज़्यादा यूज किया जाता है. What is operation flood related to? देखो जो operation flood है इसका संबंध है milk production देना. तो इस question का right answer है B. और इस दे नाल जो white revolution की भी गल कर ले, तो जो white revolution है इसका भी संबंध है milk दे नाल, और जो father सीगे इसे father of White Revolution ओ है वर्गीज कुरियन. वर्गीज कुरियन. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी. और फिश प्रोडक्शन, अगर इसकी रेवोल्यूशन की गल करिए फिश रेवोल्यूशन, तो इसनों बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन. ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध है फिश नाल. वीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन तुहानू पता ही है ग्रीन रेवोल्यूशन है. और सी फूड प्रोडक्शन भी ब्लू रेवोल्यूशन का ही पार्ट है. फर्स्ट
फर्स्ट KVK वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर. देखो सब तो पहला तो समझो कि KVK की है, तो KVK का मतलब है कृषि विज्ञान केंद्र. और कृषि विज्ञान केंद्र कदों एस्टैब्लिश होया सी, तो कृषि विज्ञान केंद्र एस्टैब्लिश होया सी 1974 दे विच. और एक्चुअल दे विच ए जो सब तो पहला जिथे स्टार्ट होया ओ होया सी पुदुचेरी दे विच. और इनु स्टार्ट किया सी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर. तो ये एक्चुअल दे विच पुदुचेरी दे विच जो कृषि विज्ञान केंद्र स्टार्ट किया ये एक्चुअल दे विच पायलट बेस ते ही सीगा. ठीक है, पायलट बेस से यह प्रोग्राम शुरू किया ता जो ये अगर सक्सैसफुल होंगे पुदुचेरी दे विच तो फिर ये पूरे मतलब इंडिया दे विच इसनू लागू किया जाएगा. तो 1974 दे विच इसकी शुरुआत हुई सी. और अगर पूछ लें कि अज किन्ने KVK जिहड़े है वह इंडिया दे विच स्थापित हो चुके हैं, तो याद रखियो 669 जिहड़े हैगे है वह KVK जिहड़े हुण तक स्टार्ट हो चुके है. द वाइट कलर ऑफ फ्लैग इज एसोसिएटेड विद. देखो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर दे विच कुछ सीड्स नू उस दे टैग दिते जांदे, कलर वाइज टैग दिते जांदे है सीड्स नू, वो केड़े केड़े कलर है. तो उन्होंने वाइट कलर पूछा, तो वाइट जो है कलर ये दिता जाता है फाउंडेशन सीड्स नू, मतलब फाउंडेशन सीड्स नू जो उन्होंने पैकेट ते जो फ्लैग होएगा वो वाइट कलर का फ्लैग होएगा. और अगर आप गल करिए सर्टिफाइड सीड की, तो सर्टिफाइड सीड के लिए जो टैग दिता जाता है ये ब्लू कलर का टैग दिता जाता है. और जो ब्रीडर होंगे है, जो ब्रीडर सीड्स होंगे हैं उन्होंने लिए जो फ्लैग दिता जाता है ये गोल्डन येलो अते. अगर पूछ लें कि जो रजिस्टर्ड सीड है उन्होंने लिए केड़ा टैग दिता जाता है, तो उन्होंने लिए पर्पल टैग दिता जाता है. तो ये तुसी याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी. इथोपिया इज द ओरिजन होम ऑफ. देखो इथोपिया जेड़ा है वह इन्हों विचों किसका ओरिजन होम मनिया जाता है, तो वह है राइस का. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए. नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन. तो देखो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI ए कितने लोकेट है. तो देखो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये लखनऊ दे विच तुहानू देखण नू मिलेगा UP दे विच. और ये एस्टैबलिश जो होया सी 1700 द असेंशियल कमोडिटी एक्ट वाज पास्ड ऑन. देखो जो असेंशियल कमोडिटी एक्ट है ये कदों पास होया सी, तो असेंशियल कमोडिटी एक्ट जो पास होया सी ये होया सी 1955 दे विच. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए. और देखो इस समय जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट आई हैं
ये आई हैं 2020 दे विच, ये तुसी याद रखना। The Warehouse Corporation Act was implement in, देखो जो Warehouse Corporation Act है ये कदों इंप्लीमेंट होया, तो देखो जो Warehouse है Corporation Act ये 1962 इंप्लीमेंट होया सी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है सी। आपदा रेफर टू, देखो APEDA दी फुल फॉर्म की है, तो देखो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और ये कदों डिवेलप होया, ये एस्टैबलिश होया सी 13 फरवरी 1986 नू, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली दे विच। तो इन्नी डिटेल आपदा दे लई याद रखनी है, आपदा दी फुल फॉर्म एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। हु क्वाइन द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन, देखो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो लेके आए सीगे ये इंडिया दे विच, जो ग्रीन रेवोल्यूशन दे फादर मन्ने जांदे आ वो एम एस स्वामीनाथन मन्ने जांदे आ, लेकिन ये जो टर्म सी ग्रीन रेवोल्यूशन दी ये टर्म किसने क्वाइंट कीती सी, तो ये टर्म क्वाइंट कीती सी विलियम एस गॉड ने, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ आई ए आर आई, देखो आई ए आर आई दे जो फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर सीगे वो कौन सीगे, तो देखो आई ए आर आई पहली गल तो इसकी तुसी जो है फुल फॉर्म ही याद रखनी है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल बने सी वो सीगे अपने कोले बी विश्वनाथ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर इज पब्लिश्ड फ्रॉम, देखो जो हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर है ए कितों पब्लिश की जाती है, तो ए न्यू दिल्ली तो पब्लिश की जाती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए, तो ए पब्लिश कौन करता है, तो आई सी ए आर इस पब्लिश करता है, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली दे विच इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और ये फाउंड कदों हुई सी, तो ये फाउंड हुई सी 16 जुलाई 1929, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं प्रेस कर लो ताजो अपडेट समय सर मिल सके, और इस सीरीज़ दीयां वीडियोज़ नूं देखने लई मेरे नाल जुड़े रहो, तो थैंक यू।